विष्णुपाद परमहंस परिभाष्कर अष्टोत्तर शतव चरणारविंद वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद राज की अनंत अनंत कोटि वैष्णववृंद की जाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जाय जय गौर प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवति उत्तमाशोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय जिज्ञासा श्लोक संख्या दो धर्म प्रोजित कैटवत्र परम निर्माश्रणाम सताम धर्म प्रोजित कैटवत्र परम वेद्यं वास्तवतमत्र वस्तः शिवदं तापत्रयोन्मूलम् श्रीमत् भागवत महामुने कृते किं वा परेरीश्वरे सत्यवृद्धे अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणा धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मस्थनाम सताम वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलम् श्रीमत् भागवत महामुने कृते किं वा परेरीश्वरे सद्यहृदय अवर्धते अत्र कृतभिः शुश्रुभिः तत्क्षणा धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मस्थनाम सताम वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलम् श्रीमत् भागवत महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरे सत्य हृदय अभरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रुभिः तत्क्षणा प्रोजित कैवत्रो परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
परेश्वर श्रीमद्भागवते महामुनिर्जुने किं वा परेश्वर सद्योहृदय वरुध्यते अत्र कृतभिषु शुभिस्तत्क्षणात् शब्दार्थ धर्मा धार्मिकता प्रोजितः पूर्ण रूप से अशिकृता कैतवः सकाम विचार से प्रच्छन्न आत्रा यहाँ परमः सर्वचो निर्मस्थनाम सत प्रशिषद शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्त को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक यात्रा यहाँ वस्तु वस्तु चीज शिवदम कल्याण तापत्रय तीन प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना श्रीमात सुंदर भागवते भागवत पुराण में महामुनि महामुनि व्यास देव द्वारा कृते संग्रह किया गया रचना की गई किम क्या है वह आवश्यकता परे अन्य ईश्वरः परमेश्वर सद्य तुरंत हृदय में अवरुद्धते दृढ़ हो गया अत्र यहाँ कृतभि पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रुभि संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनुवाद यह भागवत पुराण भौतिक कारण से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संताप को समूल मुष्टक नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे ऐसे ज्ञान की इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। कहां से तीसरा से दो पैराग्राफ हो गया था ना, तीसरा पैराग्राफ ना याद है किसको? ठीक
दूसरा पारावर्ष पढ़ेंगे। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न ना हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्म से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हें शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है। जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं, इस भौतिक जगत में पशु तथा मनुष्य समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है, लेकिन भगवान के दिव्य भक्त ना केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्ध रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानसाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन की क्रियाकलाप की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य में से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्व उत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के कर्मकांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्मकांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्मकांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भाषण शक्ति के सापेक्ष रूप है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुर्मीलितव्येन श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयम् पदान्तितम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं ग्रजातं सहगणा रघुनाथं सजीवं
सावधूतं सावधूतं हरिजनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा श्रीविशाखानां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशचारिणे नमो महावरेण्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुरेव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भृङ्गुं रङ्गेति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं हे कृष्णचैतन्यनिश्वरम् कैतव परम निर्मस्त्रणां सतां वेदं वास्तवत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मलं श्रीमत् भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरे सत्यते तत्क्षणात्। ये भागवत पुराण भौतिक कारण से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्य को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बहुत गम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संताप को समल नुष्ट करने वाले हैं। महामुनि व्यास देव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, ऐसे ऐसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो इसमें भागवतम का दूसरा श्लोक है, जिसमें कहा गया कि ये भागवत पुराण भौतिक कारण से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्य को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए धर्म प्रोजित कैतवा निर्मस्त्रणा। ये क्योंकि ये महापुराण है, ये सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पुराण है, तो इसलिए इस भागवतम पुराण में इस बाकी किसी का कोई भी जो धार्मिक ना, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है ना, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है तो कौन सा ग्रंथ है? क्योंकि लोग जो है धर्म के नाम पे वो, क्योंकि बाकी जितना भी ग्रंथ है धर्म है वो क्या है, छल धर्म है।
क्या है? छल धर्म। इसलिए कहा गया कि कैटव सकाम विचार से प्रच्छन्न, कैटव धर्म है ना, ठगने वाले। कैटव मतलब क्या? ठगने वाले आदमी थे, क्योंकि वो धर्म जो है आपको भगवान की साक्षात्कार करा नहीं सकता है ना। तो इसलिए भागवत में वर्णन है कि एक जो है धर्म अर्थ और काम और मोक्ष है ना। और फिर भागवतम धर्म के बारे में आते हैं कि ये प्रेम उपमार्थ महान, वो चतुर्वर्ग कहा गया उसको है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसको प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। कौन सी मार्ग कहा गया? प्रवृत्ति मार्ग कहा गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप आएंगे। लेकिन निवृत्ति मार्ग क्या है? जो उससे परे है, वो जो आपको प्रेम उपमार्थ महान। पांचम पुरुषार्थ के बारे में, ये चार पुरुषार्थ के बारे में कहा गया जितने भी ग्रंथ है, लेकिन भागवत में क्या वर्णन है? प्रेम उपमार्थ महान। एक्चुअली भगवान के साथ हमारा जो प्रेम का संबंध है ना, उसी के बारे में श्रीमद् भागवतम हमेशा प्रोत्साहन देता है। तो इसलिए बाकी जितना भी धर्म है उसमें भागवतम का कोई वे नहीं है, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब एक बार एक धर्म का सम्मेलन में गए थे, और वहाँ पे जो बाकी जितने भी संप्रदाय के लोग थे, तो अपना भी ग्रंथ वगैरह लेके आए थे उसको प्रचार करने के लिए, और देखा गया कि जो प्रभुपाद जी के भगवद गीता जथारूप था उसके ऊपर उन्होंने बाकी सारे ग्रंथ को रखे ना। तो ये प्रभुपाद जी को नीचा दिखाने के लिए कि आपका जो ग्रंथ है सबसे नीच है, हमारा ग्रंथ क्या है? सबसे ऊपर है। लेकिन प्रभुपाद जी उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, और प्रभुपाद जी बोलने लगे कि फिर भी ये भगवद गीता जो है क्या है, ये फाउंडेशन है, ये न्यू है, ये क्या है? ये फाउंडेशन है आचल। तो इसलिए लोग आज जो है भारत में हम देखते हैं कि 100 से अधिक विश्वप्राय विश्व भर में क्या है, भगवत की गीता के ऊपर टीका लिखा है लोग अलग अलग है ना। तो लेकिन वो अपने जो है मन के विचारधारा को अचल क्या करते हैं, उसमें प्रस्तुत करते हैं ना। प्रभुपाद जी को एक पत्रकार एक दार्शनिक ने बोले कि स्वामी जी आपका जो टीका है वो श्रीपाद रामानुज आचार्य के टीका के साथ मिलता जुलता है ना। भौतिक जगत में क्या करते लोग, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन नाम किसका देते हैं? अपना नाम देते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने बोले कि बहुत ही अच्छा धन्यवाद, क्योंकि हम जो है गुरु शिष्य परंपरा को पालन करते हैं, है ना। एमम राजस्व विदु सकालनः भगवत गीता के चौथा अध्याय के दूसरा नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इस गीता का ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। तो ये तो इसलिए कहा गया कि ये जो भागवतम पुराण है, ये भौतिक कारण से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्य को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए है ना। लेकिन इस भागवतम पुराण का महानता इस प्रकार है कि अगर कोई इसको अपनाता है, कोई उसको आपके घर में रखता है, उसका पूजा करता है, तो उसे जरूर क्या होता है कि जो भक्ति का बढ़ावा होता है, केवल रखने से एक्चुअली, केवल पूजा करने से। कोई अगर उसको पढ़ेगा और समझने के लिए प्रयास करेगा तो कितना फायदा होगा। तो इसलिए धर्म प्रोजित कैतव निर्मस्त्रणाम, और इस भागवतम पुराण को समझने के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए? सत प्रतिशत शुद्ध हृदय वाले, मश्चरता का नहीं। जितना भी जो अनर्थ है, क्या क्या अनर्थ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मश्चर द्वेष, है ना।
तो व्यक्ति जो पूरी तरफ से एक्चुअली ये जो छह अनर्थ से मुक्त हो जाता है, विशेष करके निम्नस्थणम कहा गया क्योंकि वो लास्ट में बताया गया, क्योंकि उससे मुक्त होना एक्चुअली की बहुत ही कठिन है। बाकी सारे जितना भी अनर्थ है, ये सारे अनर्थ को हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ये जो अनर्थ है जिसको कहा गया कि निम्नस्थणम द्वेष रहित, पूरी तरह से एक्चुअली द्वेष रहित, इसलिए सत्य प्रतिशत शुद्ध शुद्ध हृदय वाले के, है ना, ऐसा व्यक्ति एक्चुअली भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को समझ सकता है, ठीक है। तो धर्म प्रोजित कैटवा निर्मस्त्रणाम, है ना, तो इसलिए क्यों फिर बताया गया कि ये जो क्या है, अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय मलनम, शिव भगवान, शिव का अर्थ क्या है, शिव शब्द का अर्थ क्या है, शुभ कल्याण, है ना। तो ये भागवतम ग्रंथ ऐसा है एक्चुअली कि ये सबको कल्याण करने वाले, सबको कल्याण करने वाले, है ना। और विशेष रूप से क्या गया कि तापत्रय उन्मूलनम, जैसा कि तीनों प्रकार से संताप के समूल नष्ट करने वाले, पूरा मूल से एक्चुअली नष्ट करने का होती है। बाकी जितना भी हम देखते हैं उपाय देखते हैं संसार में, हर व्यक्ति एक्चुअली तीनों ताप से क्या है, पीड़ित है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, अत्यंत का दुख निवृत्ति, पीड़ित है ना, हर व्यक्ति पीड़ित है ना। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि इससे मुक्त होने के लिए, इसलिए रूप दशामृत में, सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जो भक्ति का लक्षण बताते हैं, बेनिफिट बताते हैं, उसमें पहला बेनिफिट क्या बताया गया, क्लेशाग्नि, क्या बताया गया, क्लेशाग्नि, अग्नि समझते ना, कौन सा अग्नि है, क्लेश अग्नि, अग्नि मतलब क्या है, यहाँ बताया गया ना, त्रिताप, ताप मतलब क्या, जलाने वाले, अग्नि भी क्या करता है, जलाता है। तो क्लेश अग्नि मतलब जो क्लेश के द्वारा लोग जले हुए हैं, तो ये भागवतम पुराण से क्या होता है, ये तीनों, ये जो तीनों प्रकार से जो कष्ट है, त्रिताप ना, त्रिताप, ठीक है, नहीं दुर्गा देवी के हाथ में है ना त्रिताप, उसे समूल रूप से एक्चुअली क्या करता है, वो नष्ट कर लेता है, वो बीज से एक्चुअली बीज को जला देता है, है ना। नहीं तो बाकी जितना भी हम उपाय देखते हैं उसमें क्या होता है कि एक्चुअली कुछ समय के लिए एक्चुअली वो आपको रिहात देता है, कुछ मिलती है, लेकिन अगर भक्ति करने से क्या होता है कि क्लेश अग्नि, और फिर आगे उन्होंने बताया कि शुभदा, शुभदा मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि शिवदम कल्याण, सबके कल्याण करने वाले, शुभदा, क्लेशाग्नि, शुभदा, फिर क्या बताया गया, छह लक्षण के बारे में बताया गया, शुद्ध भक्ति का छह लक्षण होता है। और तो फिर और श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, ये सुंदर भागवतम पुराण जो है किसके द्वारा रचित किया गया, महामुनि व्यास देव के द्वारा रचित किया गया, क्योंकि व्यास जी कौन है, सत्तावेश अवतार है, साहित्य का अवतार है, भगवान के अवतार है, तो उनके द्वारा रचित किया गया, तो इसलिए किम वा परे ईश्वरे, तो और कोई ग्रंथ की आवश्यकता, तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते थे कि अगर पूरे विश्व के जितना भी अलग अलग ग्रंथ है और सारे ग्रंथ अगर एक्चुअली आग लग के जल के नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एक श्रीमद् भागवतम का अगर एक कॉपी बचा रहेगा तो कोई फिर से एक्चुअली क्या करते हैं, धर्म का स्थापना हो सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, केवल एक एक अगर भागवतम पुराण अगर, बाकी सारे अगर अगर चल के नष्ट हो जाए, तो ये भागवतम का महिमा
बताया गया के, क्योंकि वो महामुनि व्यास देव द्वारा अपने परिपक्व अवस्था में उसको संकलित किया गया है। सुंदर पुण्य भागवतम ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। एक्चुअली भागवतम पुराण जो अपने आप में पर्याप्त है, उसको एक्चुअली किसी दूसरे का, तो इसलिए श्रीमद भागवतम के पहला इसमें आगे जाके बताएंगे कि कैसे भागवतम पुराण का उदय हुआ, है ना, क्योंकि वो छठा प्रश्न का उत्तर था। क्योंकि भगवान अभी अपने जो लीला को पूरा करके वो अपने भगवतम धाम में लौट रहे, तो फिर भगवान जब जाते हैं उनके साथ धर्म ज्ञान सब कुछ एक्चुअली चला जाता है, अंधकार, तो इसे अंधकार रूप को, जो अंधकार को फिर से आलोकित करने के लिए, जैसे अंधकार से आलोकित करने के लिए किसका उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य का उदय तो एक्चुअली क्या होता है, अंधकार नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भागवतम रूपी एक्चुअली जो साक्षात कृष्ण तुल्य भागवतम का उदय होता है, तो क्या हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से भगवान के संदेश को सुनता है, वैसे ऐसे ज्ञान की इसी संस्कार अनुशीलन के उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। सद्य हृदय कृत भी सुसुभ भी तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब क्या, तत्क्षणात् अविलंब, विलंब मतलब क्या, देर, या कहा जाता है कि अचिरेण, अचिरेण चीर मतलब क्या, चीर काल तक कहते ना, चीर काल मतलब क्या, बड़े लंबे समय तक, लेकिन अचिरेण मतलब क्या, सामने बिल्कुल मती है। हाँ, तो इसका साक्षात जो है हम देख सकते कि पूरे विश्व भर में जैसे प्रभुपाद जी के द्वारा इस भागवतम संदेश का प्रचार हुआ, तो अंधकार जो है नष्ट हो रहा है कि नहीं, उसका साक्षात्कार है। क्योंकि उससे पहले भी हम देखते हैं कि कितने सारे ग्रंथ, कितने सारे धर्म प्रचार हुआ है, लेकिन उससे कोई एक भी भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन पाया। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम का जब उदय हुआ, तो क्या हुआ, क्रांतिकारी आगमन, या जिसको बोलते क्या, चलिए भागवतम के पहला स्कंद पांचवा अध्याय के 11 नंबर श्लोक में कहा गया, 1:5:11 आंदोलन। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा क्या हुआ कि सारे विश्व भर में सारे मानव समाज के कल्याण के लिए, केवल मानव समाज के नहीं, सबका कल्याण करने के लिए इस भागवतम पुराण का क्या हुआ, उदय हुआ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि वेदों में उपयुक्त चारों कर्म की संस्कृति नियामक रूप से की गई है, धर्म अर्थ काम मुख्य, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक अनावश्यकता स्पर्धा उत्पन्न ना हो, किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्म से परे है। यह नित्यांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हें शुद्ध भक्त भगवत भक्त द्वारा समझा जा सकता है, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से रहते हैं। क्योंकि भौतिक जगत मतलब क्या, स्पर्धा है, कट थ्रोट कंपटीशन है कि नहीं। यहाँ पे क्यों कंपटीशन है, रजनीश वो बता रहे थे उनके भी परीक्षा है 3 तारीख को, है ना, कितना ये है, कितना पोस्ट है और कितना लोग है उसमें, दो सौ पोस्ट है उसमें 18,000 विद्यार्थी है, तो क्या गारंटी है किसको मिलेगा, है ना। तो भौतिक जगत में क्या है, इतने से स्पर्धा है ना। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। तो केवल एक्चुअली मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो सबसे ये है, लेकिन पशु के बीच में, पक्षी के बीच में स्पर्धा है, क्योंकि भय है सबको, है ना, आहार निद्रा मैथुन और भय, अभी सब जीवात्मा भय है,
इसलिए प्रभुपाद जी इस उपनिषद में लिखते हैं कि जैसे कोई चिड़िया है ना, वो दाना खाती है, लेकिन एक दाना मुंह में प्राप्त करता है, इसके बाद क्या होता है, वो इधर उधर देखता रहता है। क्यों, किस लिए? भय है, एक्चुअली कोई मुझे दूसरा जानवर आके है ना। इसलिए प्रभुपाद जी जो कहानी बताते हैं कि पुनर्मुसिका भवा, पुनर्मुसिका भवा, पता है ना, चूहा था, चूहा किससे भयभीत होता था? बिल्ली से। चूहा बिल्ली से भयभीत होता है ना, तो बिल्ली चूहा जाके एक साधु महाराज को बोला कि मुझे क्या बना दो, बिल्ली बना दो। तो बोले कि साधु महाराज बोले कि ठीक है बन जाओ, उसने बिल्ली बन गया, लेकिन बिल्ली से किससे भय है? कुत्ता से भय है ना। तो फिर से आके बोला कि मुझे कुत्ता बना दो, उसको कुत्ता बना दिए, और कुत्ता बना दिए तो एक्चुअली उसको लगा कि अभी मेरा कोई शत्रु नहीं है, तो उसके पीछे कौन पड़ गया? शेर। तो आके बोला कि मुझे शेर बना दो, तो साधु महाराज उसको आशीर्वाद दिए, वो शेर बन गया। तो शेर बन गया तो फिर क्या किया, तो इसका इच्छा हुआ कि अभी सामने कौन है? साधु महाराज मेरा भोजन है ना। तो साधु महाराज फिर उसको क्या किए, एक्चुअली पुनर्मुसिका भवा, फिर से क्या बन जाओ? चूहा बन जाओ, चलिए है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समाज में एक्चुअली की ऐसे स्पर्धा वो चलता रहता है ना। तो भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते हैं वे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के लिए मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति स्पर्धा नहीं करता है इस भौतिक जगत में, कौन सा व्यक्ति स्पर्धा नहीं करता है, जिसका लक्ष्य क्या होगा, भगवत धाम जाने, वापस जाने का लक्ष्य होगा, जिसका लक्ष्य क्या होता है, सबसे सर्वोच्च लक्ष्य होगा, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कैंडिडेट कंपटीशन नहीं करते, करते हैं? नहीं। और आपको ये पता होगा कि चंद्रमा पर जाने के लिए उसी समय के आज से 50 साल पहले 1960 में है ना, तो रशिया और अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था, स्पर्धा हो रहा था, कितने बार प्रयास कर रहे थे रशिया, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया, ठगा, चीटिंग किया, चंद्रमा के ये पे चीटिंग किया ना उन्होंने। आप सब पता है कि नहीं? नहीं पता है, इंटरनेट खोल के देख लो है ना। जब कोई नहीं जा पा रहे थे, इतना ये हो रहे थे, तो अमेरिका एक्चुअली घोषणा कर लिया कि मैंने चंद्रमा पे पहुंच गया, वहां झंडा लगा के आ गया, क्योंकि पता है उसको कोई वहां पे कोई जा नहीं सकता है, समझ है ना, वहां पे कोई जा नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने अपना झंडा खड़ा करके आ गया। और आने के बाद फिर क्या बता रहे हैं कि वहां पे किसी प्रकार का, वहां पे ना पानी है, ना वायु है, ना जीव जगत है, इसलिए वहां वो जगह जाने के लायक नहीं है। हम अभी मंगल पे जाने के लिए प्रयास करेंगे है ना। और फिर मंगल भी खत्म हो गया, इसके बाद क्या है, शुक्र पे जाने के लिए तैयार करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते ये व्यर्थ है एक्चुअली है ना, क्योंकि वहां जाने के बाद भी क्या करेंगे लोग, हाहर, निद्रा, भय और मैथुन, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी है ना, इससे कौन को पता नहीं आती है। तो इसलिए जो जिसका लक्ष्य होता है, एक्चुअली सर्वोच्च लक्ष्य कि भगवत भक्ति प्राप्त करना, भगवान के धाम प्राप्त करना, तो कभी स्पर्धा नहीं करेगा। क्यों, स्पर्धा किस लिए होता है, कंपटीशन किस लिए होता है? मान लो कि अभी 18,000 पोस्ट है और 2 कैंडिडेट है ना, वो तो बिना पढ़ाई भी नहीं करेगा है नहीं। हमारा पिताजी बोल रहे थे कि उस जमाने में तो जो सरकार ढूंढ रहा था एक्चुअली लोगों को जबरदस्ती लेके क्या करता था, नौकरी में
ढूंढ के एक्चुअली बताते हैं, क्यों थे ही नहीं, है ना, वो थे ही नहीं एक्चुअली। मुझे याद है कि 92-93 में जब Y2K प्रोजेक्ट, पता है ना Y2K प्रोजेक्ट है ना, Y2K प्रोजेक्ट था, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, 2000 वाला, क्योंकि 99 था, 99 के बाद क्या हो जाता है, वो दो डिजिट है ना 99, अभी इसके बाद तीन डिजिट हो जाते हैं ना, तो 99 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो सारे कंप्यूटर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए सबका बड़ा चिंता रहा, तो लोग एक्चुअली क्या किए, बड़े बड़े कंपनी बहुत पैसा खर्च करके एक्चुअली उसके ऊपर रिसर्च किए कि सारे सॉफ्टवेयर को क्या करने, बदलने के लिए, है ना। तो उस समय एक व्यक्ति जो है मतलब बहुत सारे लोग एक्चुअली जहाँ पे जाके दिल्ली मुंबई कलकत्ता में चेन्नई में जाके इंटरव्यू दिए, तो नौकरी हो गया और बहुत अच्छा तनख्वाह मिल रहा था। तो उसमें से एक्चुअली उसके एक दोस्त था, तो उसको भी बुलाया कि तुम भी आ जाओ और इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट खाली है। तो उसको सारे क्वेश्चन वगैरह दे दिया, ये प्रश्न पूछेंगे, तो उसको पूछा गया, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे कंपनी, तो उसको पूछे, तो पूछे कि आपके परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि वो तो उसने रट दिया था, उसको कर लिया। तो जो उसका पर्सनल इंटरव्यू हुआ, उसको पूछे एक्चुअली कि परिवार के बारे में बताइए, तो उसने बताया कि आई हैव वन फादर वन मदर। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, क्या बताया उसने, वन फादर वन मदर एक्चुअली। लेकिन फिर भी उसको कंपनी वाले क्या किए, उसको रिक्रूटमेंट किए, क्योंकि जरूरत था उनको, और अमेरिका में, वो अमेरिका में भी बड़ा कंपनी में बहुत बड़ा पोस्ट में है। सो है ना, तो स्पर्धा जो है, भौतिकवादी व्यक्ति की स्पर्धा नहीं करते हैं वे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे आध्यात्मिकवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त ना केवल भौतिक द्वेष ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर के केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर क्या चली क्या ये स्पर्धा है चली, कि मैं दूसरे से कैसे आगे बढ़ूंगा। प्रभुपाद जी गए थे जापान में डायन ओपन कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए, भगवद गीता छापने के लिए। तो वहाँ जापानी श्लोक तो अंग्रेजी नहीं समझ पाते, पता आपको, तो उनके जो ट्रांसलेटर था तो मिला रहा था सबको। इसके बाद सो अपने अपने जो कार्ड लेके आए थे कंपनी के सारे जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसके बाद सारे लोग चले गए, तो उसमें से एक व्यक्ति जो खड़ा था, तो प्रभुपाद जी उसको पूछने के लिए कि मुझे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, बोले हाँ। तो उसने सामने आया और प्रभुपाद जी से जो सारे जो कार्ड था उसको लिया और लेके एक्चुअली क्या क्या उसको चुन के एक्चुअली उसका जो कार्ड था वो सबके ऊपर रखा, सारे कार्ड के ऊपर। तो प्रभुपाद जी समझ गए, तो प्रभुपाद जी बोले कि क्या आपको इस कंपनी का बॉस बनना है, चेयरमैन बनना है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है एक्चुअली कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू आगे बढ़ू, है ना। तो स्पर्धा तो एक्चुअली होती है, तो केवल स्पर्धा से रहित कौन हो सकता है व्यक्ति, जिस व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पे क्या शॉर्टेज है, यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है, कमी है, चाहे कितना भी कुछ कर लो कमी है। मुझे किसान आते हैं वहाँ पे, खेती करने वाले व्यक्ति रोज आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने बोले कि सरकार ने अभी उनको बोला कि
जो धान जो है केवल खेती में अभी एक बार कर सकते हैं, बांके प्रभु है, क्योंकि दो साल तक के लिए पूरे भारत में इतने मात्रा में क्या है, अनाज है, स्टॉक है, दो साल के लिए आगे स्टॉक है, तो आगे की जरूरत नहीं अभी बोले। है ना, तो स्पर्धा ऐसा चीज है एक्चुअली कि आपको व्यक्ति को एक्चुअली अंधा कर लेता है, सहन नहीं होगा आपको। ईर्ष्या ना, पर उत्कर्ष, ईर्ष्या मतलब क्या, दूसरे का भलाई जो देख नहीं पाएगा एक्चुअली, इसलिए पर उत्कर्ष क्या क्या। आपको कहानी पता है ना, एक एग्जीबिशन हुआ था, उस एग्जीबिशन में एक्चुअली सारे अलग अलग देश के केकड़ा, क्राब, क्राब पता है ना, सारे अलग अलग देश से एक्चुअली अलग अलग वैरायटी का वो लोग लेके आए थे, तो उसमें से जो भारतीय केकड़ा का जो बक्स था एक्चुअली वो क्या था, खुला था कि बंद था, वो खुला था, बाकी जितना भी देश का आपने लेके आए थे वो सारे पैक था, समझे ना, सील था, ग्लास का बक्सा में रखा था, सारे पैक करके रखे थे। तो उस व्यक्ति को ये लगा कि अरे ऐसा कैसे, ये खुला क्यों है, क्योंकि ये बोले ये भारतीय केकड़ा है, क्योंकि भारतीय केकड़ा क्या करेगा, दूसरा केकड़ा अगर ऊपर उठ रहा है तो क्या करेगा, वो खींचेगा, फिर खींचेगा। समझ गए ना, सही है कि गलत है, रजनीश प्रभु मानसिकता ना है ना। एक भक्त हमको बता रहे थे कि अमेरिका में एक दूध वाला, तो दूध वाला सुबह सुबह दूध देने के लिए आ रहा था, तो उसका दूध गिर गया, तो दूध गिरा तो बड़ा चिंतित हो गया, दुखी हो गया। तो फिर बाजू में एक व्यक्ति आ रहा था, बोला क्यों चिंतित करो, बोला दूध गिर गया, तो अच्छी चिंता की क्या बात है, पानी मिला दो। उसने जो दूध वाला ने उसको पूछा कि आप भारतीय हो क्या। है ना, तो ये जो मानसिकता है ना, ये भरा हुआ है, क्यों मानसिकता भरा हुआ है, क्योंकि भय है सबको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा मैथुन और भय, सबको भय एक्चुअली कि क्या होगा कल, है ना, क्या होगा एक्चुअली, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं है, हमारा जो लक्ष्य एक्चुअली भगवत प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी साफ बताते हैं कि एक्चुअली केवल जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है एक्चुअली कि भगवान केंद्र में है, भगवत धाम प्राप्त करना, वो एक्चुअली इस भय से मुक्त हो सकता है। अब अगर भय से मुक्त हो सकता है तो उसको फिर क्या है अपनी। इसलिए कहा गया कि अजीव कृष्ण दास कर ले तो विश्वास ना, जीव कृष्ण दास कर ले तो ही विश्वास, तार दुख ना, उस दुख से मुक्त हो जाता है। केवल विश्वास करने की, मैं क्या हूं, कौन हूं, मैं कृष्ण के दास हूं। मायावादी भी तो कहते हैं कि हम ब्रह्मस्मि, क्या कहते हैं, हम ब्रह्मस्मि, मायावादी भी क्या कहते हैं, हम ब्रह्मस्मि। जो बड़े बड़े नागा बाबा आते हैं ना कुंभ मेला में, देखेंगे बड़े बड़े नागा बाबा आते हैं, उनके अंदर कंपटीशन होता है कि जो पहला साई स्नान कौन करेगा, उसी मुहूर्त में कंपटीशन होता है, उनको नंबर दिया जाता है, पता आपको, जितना भी ये है उनको टोकन दिया जाता है कि आप पहले रहेंगे, आप दूसरे रहेंगे, तीसरा रहेंगे, क्योंकि हर साल हमारा भी वहाँ पे कैंप लगता है ना, तो हमको भी टोकन मिलता है एक्चुअली। लेकिन हमारे भक्त एक्चुअली वो कीर्तन में मस्त रहते हैं, है ना, कभी भी जाके स्नान करके आओ, गंगा तो ही इधर ही है, यमुना तो इधर ही है, समझ गया ना, थोड़ी पानी ये होता है, भय होता है, भय है ना, क्योंकि सबको अमृत पान करना है। देवता लोग भी एक्चुअली भयभीत होके क्या कहते हैं, अमृत का परमृति, लेकिन अमृत पान करने से भी आप भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। केवल एक्चुअली जो कृष्ण कथामृत को पान करता है
वही व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है ना। तो इसलिए स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानसाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या समाज जन कल्याण की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल धारा है। वेदों में तीन मार्ग बताया गया है ना, कर्मकांडी, इसलिए कर्मकांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड, कदर जो भक्षण करे नाना जोनी, कृष्णदास कबीर दास कहते हैं जो कर्मकांड है। कर्मकांड मतलब क्या, कर्मकांड इंद्रिय तृप्ति मतलब जो स्वर्ग लोक की प्राप्त करना, सुख की प्राप्त करना, कर्मकांड देवताओं की पूजा करना। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय रहा भंड कहा गया, विष का प्याला है ना, क्योंकि ज्ञान कांड में से एक्चुअली क्या है, भगवान के साथ लीन हो जाना, बस उनका एककार हो जाना, वही एक्चुअली थी है ना। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति कामी मुक्ति कामी सिद्धि कामी, क्योंकि सबको कामना है, क्या है, कामना है, इसलिए कामना विनाश दुखर विनाश। अगर हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हमको, सारे कामना से मुक्त हो जाना चाहिए। ये जितने भी है सिद्धि मुक्ति भुक्ति और सिद्धि कामी है ना, सकल अशांत हमेशा अशांत रहते हैं है ना। लेकिन कृष्ण भक्त क्या रहता है, निष्काम, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इच्छा है कोई इच्छा नहीं मतलब क्या है, सबसे बड़ा इच्छा है, क्या इच्छा है, भगवत धाम जाना। आसान है क्या, अमेरिका जाने के लिए लोग इतने प्रयास करते हैं, इतने हमारे पुणे में एक सेवा कर रहा था, समझे ना, तो इसलिए वो झूठ बोल के चला गया, मंदिर छोड़ के चला गया है ना। और जाके मेरे को एक दिन फोन किया, फोन भी नहीं उठा रहा था, उसने मेरे को फोन किया, बोला कि मुझे 2000 रुपया चाहिए। बोला किस लिए चाहिए, कहाँ पे हो, मिलती है। बोला मैं अभी वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा हूँ एम्बेसी ऑफिस में, और 2000 का फीस मेरे को भरना पड़ेगा, मेरे को पैसा नहीं है, भेज दीजिए कैसे भी करके। तो मेरे मुझे दया आया, मैंने भेज दिया है ना, और उसके बाद फोन बंद, शायद वो अमेरिका चला गया, ठीक है नहीं। तो चाहे किधर भी जाओ, एक्चुअली क्या है वो आपको, क्योंकि मनुष्य मात्र में क्या है, जीव मात्र में क्या है, स्पर्धा है, क्योंकि स्पर्धा के कारण हम भगवान के धाम को छोड़ के यहाँ पे आए। क्या स्पर्धा हुआ, किसके साथ स्पर्धा हुआ, हमारा भगवान के साथ स्पर्धा हुआ ना, भगवान के साथ हमारा स्पर्धा हुआ। भुक्ता राम जगत तपस्नाम सर्वलोक महेश्वर श्रुधाम सर्वभूतम ज्ञानतम अमृति। भगवान क्यों भुक्ता है, मैं क्यों नहीं हूं, भगवान क्यों अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, भगवान के पास क्यों 16108 पत्नी है, मेरे पास क्यों, उसके कारण हम भगवान को छोड़ के यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए तो एक्चुअली क्या हुआ, तो भगवान ने यहाँ पे क्या बना दिए, बोले यहाँ वहां पे नहीं होगा, क्योंकि अकेला ईश्वर कृष्ण आर्य वृत्ति, वहां मैं ही हूँ मालिक हूँ, बाकी आप नहीं बन सकते मालिक, आपको अगर मालिक बनना है तो कहाँ, ये लोक में मालिक बन है ना। एक हमारे स्कूल में एक ये था ना, उसमें कहानी था ग्रीक रोम की कहानी था, तो एक राजा थे, उसके पास मंत्री बहुत चाटुकार कर रहे थे, चाटुकार पता है ना, चापलूसी। तो राजा को समझ गया कि ये मेरा क्यों चापलूसी करता है, उसको राज्य का राजा बनना है। तो एक दिन राजा ने घोषणा किया कि कल से आप जो है राजा बनोगे, बड़ा खुश हो गया, रात भर उसको नींद नहीं आया, पूरा तैयारी हुआ,
तो दूसरे दिन एक्चुअली क्या किया, उस जो राज सिंहासन में उसको बैठा गया, लोग उसका खूब गुणगान कर रहे। फिर कुछ समय के बाद एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर देखा, वो जो ऊपर देखा तो देखा कि एक्चुअली ऊपर क्या है, एक जो है तलवार जो है, एक बाल, बाल में एक्चुअली एक तलवार को बांध के रखा है ऊपर पूरा सिर के ऊपर। वो देखते ही एक्चुअली क्या हो गया, पानी निकला है सर, क्योंकि कभी भी वो तलवार क्या हो सकता है, गिर सकता है, समझे ना। तो ये भौतिक जगत एक्चुअली इस प्रकार है, चाहे हम कितने भी बड़े पदवी प्राप्त क्यों नहीं कर रहे, लेकिन हम कभी भी सुखी नहीं बन सकते हैं जब तक हमारा जो अंतिम लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ जो है स्पर्धा है, लेकिन भागवतम इसलिए कहा गया कि इस भागवतम को कौन समझ सकता है जो पूरी तरफ से स्पर्धा या निर्मस्त्रणाम मत्स्यता या द्वेष से रहित है, द्वेष जो रहित है एक्चुअली, कि जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना, भक्तों को प्रसन्न करना, वही इस भागवतम को समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता है, है ना। तो प्रभुपाद जी जब कनाडा में थे, मॉन्ट्रियल में गए थे, तो उसी समय एक सज्जन वहाँ पे, बंगाली सज्जन जो एक्चुअली मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में थे, तो वो भी आते थे एक्चुअली प्रभुपाद जी को संग प्राप्त करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो एक बार पता नहीं उनके मन में क्या यह हुआ, तो उसने बहुत प्रभुपाद जी को ये किए, हंसना किए, बहुत ये किए, बाकी सारे भक्त लोग थे प्रभुपाद जी के सामने, तो लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल शांत रहे, कुछ भी नहीं किए और उठ के चला गया वो। बाद में प्रभुपाद जी को भक्त लोग पूछे कि प्रभुपाद जी आपने कैसे सहन किया, हमको अगर इशारा करते तो हम उसको उठा के फेंक देते। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे कि शायद मैंने पिछले जन्म में उसके साथ मैंने ऐसे कुछ दुर्व्यवहार किया होगा, तो उसका बदला ले रहा है। देखिए प्रभुपाद जी का सोच क्या था, है ना। और फिर कुछ दिन के बाद प्रभुपाद जी को जाना था वापस, शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना था, तो प्रभुपाद जी भक्त लोग को बोले कि उसको बुला के लाइए, मिलना चाहता हूँ उसको प्रसाद। लोग बोले प्रभुपाद जी, भक्त लोग गए उसको बुला के लाए, प्रभुपाद जी उससे मिले, उसको उसको प्रसाद भी खिलाए, है ना। जो प्रभुपाद जी कर सकते क्योंकि उनका हृदय क्या है, पूरी तरफ से द्वेष से रहित है एक्चुअली, क्योंकि वो देख सकते कि एक्चुअली पर दुख है दुखी, जो वैष्णव है वो पर दुख है दुखी होता है, जो वैष्णव नहीं है वो पर दुख है सुखी, और पर सुख है दुखी हो जाता है। दूसरे का सुख को एक्चुअली कभी वो सहन नहीं कर सकता है, उसको आनंद आता है एक्चुअली दूसरे का दुख को देखने के लिए, ना क्या होता है उसको आनंद आता है, लेकिन वैष्णव एक्चुअली पर दुखे दुखी होता है ना। तो इसलिए किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्व उत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर एक्चुअली परमात्मा स्वरूप है, और इससे भी ऊपर परम सत्य है। इसलिए ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति, केवल परमात्मा जो सॉरी जो ब्रह्मन साक्षात्कार होता है उससे भी श्रेष्ठ क्या है, परमात्मा को साक्षात्कार करना, लेकिन उसके भी साक्षात्कार श्रेष्ठ क्या है, भगवान का साकार रूप, जो भगवान के भक्त लोग एक्चुअली प्राप्त होता है, भगवान का साकार रूप। तो श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है, इसलिए भागवत ग्रंथ क्या करता है, भगवान का केवल भक्ति के बारे में वर्णन करता है, उनके साकार रूप का, ना तो निर्विशेषवादी, ना तो निर्गुण, ना तो निराकार, है ना। तो इसलिए ये जो है श्रेष्ठ माना जाता है, या समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है,
यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से उच्चतर है, क्योंकि यह पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम के मूल तत्व तथा श्रेणी दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भाषण शक्ति के सापेक्ष रूप है। तो आपको पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने इस भगवत गीता के ऊपर उन्होंने एक भाष्य लिखे थे, टीका चैतन्य महाप्रभु। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु और एक भक्तों के, कई सारे भक्त थे उनके साथ, एक्चुअली गंगा में जा रहे थे। तो उसी समय जो एक भक्त था, तो उन्होंने एक्चुअली भगवत गीता के ऊपर टीका लिखा था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि थोड़ा आप उसको संकलित कीजिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो अपना टीका लिखे थे, वो टीका को उन्होंने क्या किए, गंगा में बहा दिए। क्योंकि उनको पता चला कि अगर मैं उनके टीका के सामने मेरा टीका को प्रस्तुत करूंगा तो फिर उसका कुछ मायने, तो इसलिए अपने टीका को उन्होंने क्या किए, क्योंकि एक भक्त का रूप पे एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, भक्त का भाव से, भक्त का आगे, है ना। तो इसलिए वो अपने अपने आचार्य प्रभु ने जीवन सीखा, अपने आचरण से एक्चुअली क्या कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे एक्चुअली, है ना। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवत में ऐसा जो ग्रंथ है जिसमें केवल परम सत्य के बारे में, भगवान के साकार रूप के बारे में ही केवल लिखा गया है, तो ऐसा ग्रंथ को कोई अगर प्रयास करता है, पढ़ता है, अपने घर में रखता है चलित, तो कहते कि भगवान का साक्षात्कार होता है, क्योंकि कृष्ण तुल्य भागवतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई जिज्ञासा है?